तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अभी मैं जा रहा हूँ शॉप के लिए, क्योंकि आज के प्लान्स पता थे आपको, कल जो बताया था नीलकंठ के लिए जो लकड़ी वगैरह लेने का था, फ्रेंड के पापा को मिलने जाना देखा था, लेकिन अभी शायद लग रहा है सब कैंसिल हो गया, क्योंकि अभी क्लाइंट रुके हुए शॉप के नीचे, मुझे बहुत लेट हुआ। अभी देखो एकदम फटाफट टाप टिप रेडी तो हो गया, फटाफट निकलता हूँ। अभी नाश्ता तो आज है ही नहीं, क्योंकि आज मम्मी का थोड़ा तबियत ठीक नहीं था, तो मम्मी उठी नहीं, तो नाश्ता अभी बना नहीं है। जाते बाहर देखा कुछ कुछ खाने को मिला तो खाते, नहीं तो फिर दोपहर को डायरेक्ट लंच कर लेंगे। चलो मिलते शॉप में, डायरेक्ट निकलता फटो फटो, बाय बाय। तो दोस्तों आज हमारे पास बंगाल वॉरियर्स के प्रो कबड्डी के प्लेयर आए हेयर कट करने के लिए, और इनको हमारा नीलकंठ बहुत पसंद आया। देखो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये अगले साल के प्लेयर है। तो अभी उनका हेयर कट वगैरह सब तो हो गया था, वो बंगाल वॉरियर्स की जो टीम है उसके अंदर इस साल जो प्रो कबड्डी हुआ था उसके अंदर प्लेयर थे, और वो 3-7 में थे, तो उन्होंने पूरा उसका मैच भी दिखाया। तो पहले मैच में वो इंजर्ड हो गए थे, तो सब दिखाया, उनके साथ बातें हुई और उनका हेयर कट अच्छे से हुआ बहुत। तो अभी आगे के जो मेरे काम है, आगे क्लाइंट आया, एक्चुअली आज अपॉइंटमेंट था ही नहीं, तो अचानक में सुबह सुबह इनका कॉल आया, ऐसे ऐसे है प्लेयर्स, उनका हेयर कट करना है तेरे को और तू आ सकता है क्या? बोला चलो आ जाता फटाक से, अपने को भी चांस मिल रहा है, अगर इतने अच्छे प्लेयर्स है और ये लोग अपने से हेयर कट करना चाह रहे तो हम कैसे ना बोल सकते। आ गया मैं भी हेयर कट करने, अभी आगे तो क्लाइंट अभी नहीं है, पर शॉप क्लीन करता हूँ, और जो नीलकंठ का पहले सेटअप है उसको पहले कुछ भी करके आज अच्छे से करना है, जो मैंने कल आपको बोला था, तो फटाफट वो कर लेता हूँ। देखो नीलकंठ को छोड़ा था वॉशरूम में शीशी करने के लिए, तो उसका शीशी वगैरह तो हो गया है, और वहाँ पे देखो उसका लेग्स का एक्सरसाइज चालू है। अब ऐसा मत समझो कि ऊपर चढ़ रहा है, उसका लेग्स का एक्सरसाइज चालू था, पहला सेट खत्म हो गया उसका, अभी रेस्ट। अभी क्या पुलअप्स डिप्स मार रहा है, बू 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 डिप्स मारेगा अभी, नहीं सूर्य नमस्कार है, कौन सा पोजिशन है, सूर्य नमस्कार का पोजिशन है। चल आ जा नीलू, ये माझी पुपड़ी, ये नीलू नीलू नीलकंठ, बहुत आलसी है ऐसा एकदम, तो चुस्तीला फुर्तीला चाहिए। अच्छा आ जा, ये आप ऐसा मत सोचो कि मेरे रोज क्या है ये कमोड वगैरह टट्टी विट्टी दिखा दे रहे, तो लेकिन कैसा है कि इसको वैसा आदत लगाया है कि वो वॉशरूम में शीशी करता है। इसका शीशी देखोगे, ये देखो कैसा है, इतना कचकी। तो ये चल कैसा एकदम आ कड़ा, ये चलिए कुटे डाला, ये कैसे सुनता है, आप कौन बोल रहा था यार सुनता नहीं है यार, मेरा तो मेरा बच्चा एकदम प्यारा था ये। चलिए तो अभी भी देखो डरता है मेरे को, बट ठीक है चलेगा, भाग जाएगा उससे, अच्छा तू सामने जा, ये चलिए ये ए फुटेज खाओ, चलिए चलो मेरे को उठना पड़ेगा इसे, फिर ऊपर चढ़ेगा। चल आ गया मेरा पूपड़ू, मेरा पूपड़ू आ गया यार यहाँ पे। अभी हम लोग थोड़ा बातें करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ, और फिर हम दोनों भी भूखे तो खाना खाने के लिए दोनों भी रुके हुए, ठीक है। तो मुझे बच्चुड़ी मुझे पोपड़ी बहुत तेज़ भूख लगी, बहुत खतरनाक, क्योंकि सुबह वो क्लाइंट की घाई घाई में कुछ खाया ही नहीं हूँ, तो इसे आ गया भाग भाग के। अभी भूख भी लगी है, और नीलकंठ को भी कुछ खाने को नहीं लाया उस घाई के चक्कर में, तो पापा को भी बोला हूँ कि उसके लिए भी आते समय कुछ फ्रूट्स वगैरह लेके आए, और मेरे लिए भी। अभी मेरे घर पे तो आज खिचड़ी बनी, साबूदाने का खिचड़ी, और सबसे मेरा फेवरेट है, और इसके लिए मैं कुछ खा भी नहीं रहा हूँ। मैं जाने वाला था नाश्ता करने के लिए बाहर, सोचा कुछ समोसा वगैरह कुछ खा लेता हूँ गरम गरम, लेकिन फिर सोचा कि नहीं खिचड़ी है, और अगर समोसा वगैरह कुछ खाया तो पेट भर जाएगा, और फिर खिचड़ी खाने का जो मज़ा है वो नहीं आ पाएगा, तो इसलिए मैं कुछ नहीं खा रहा अभी, और खिचड़ी के लिए वेट करेगा, खिचड़ी जैसे आएगा वैसे टूट पड़ेगा। और नीलकंठ को भी आज मैं मम्मी को बोला हूँ कि उसके लिए वाटरमेलन भेजने को, तो अगर उसका वाटरमेलन आया तो वो भी एकदम आज टूट पड़ेगा, दोनों भी देखो कैसे टूट पड़ेंगे आज खाने के ऊपर, ठीक है। तो देखते जब तक खाना आता है तब तक रुकते, और अभी क्लाइंट का कॉल आया था तो अभी क्लाइंट भी आ रहा है, तो पापा आने तक क्लाइंट भी हो जाएगा।
अभी दोस्तों हम लोग आए मेरे दोस्त के साथ, ये एक दोस्त मेरा अभी नीलकंठ के लिए वो पेड़ लेने के लिए आए थे। यहाँ पे तो पूरा जंगल जंगल है, लेकिन जो लकड़ी हम लोग को चाहिए वो लकड़ी दिख रहा है नहीं किधर। अभी हम लोग और ढूंढते जरा आजू बाजू में। हाँ उधर एक बार देख के आते ना, आ जा एक बार अंदर जाके देखते थोड़ा अच्छे से, और उसके बाद फिर देखते कि क्या होता है कैसे होता है। मिलना तो चाहिए क्योंकि आज अगर वो नहीं मिला तो फिर डिले डिले होते जाएगा पूरा, इसलिए अभी देखते जाते मैं और मेरा दोस्त अंदर घूमते थोड़ा, और अगर मिला तो काम हो जाएगा। अरे यहाँ पे बहुत सारा कांच गिरा है, आराम से चलो। चलो मैं बंद करता हूँ वीडियो, क्योंकि कांच लग गया तो काम 25 हो जाएगा शॉप में काम करने के लिए। तो देख रहे हो ये जो दिख रहा है आपको ऐसा, ये पेड़ सामने वाला तो ये है वो नीलगिरी का पेड़। तो इसके ऊपर मिल जाएगा डंडी, लेकिन उसका सीन वही है कि वो बहुत ऊपर है, मतलब उसको कुछ देखना पड़ेगा क्या होता है। चलो देखते बताता हूँ तुम्हें। तो दोस्तों नीलगिरी का पेड़ मिल गया है, लेकिन वो किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी में, तो हम लोग उसको पूछ रहे लेकिन वो देने से मना कर रहे। तो अभी हम लोग थोड़ा गलत रास्ता अपना रहे, ये गलत चीजें कोई करना मत, मुझे इसने बोला है इसलिए मैं कर रहा हूँ। अगर जिनका पेड़ हम लोग काट रहे अगर वो देख रहे तो इसको पकड़ो। हाँ तो दोस्तों क्या हुआ कि अभी हम लोग ने उनसे परमिशन ले लिया, फिर से एक बार जाके अच्छे से पूछ के बात करके उनको बोला, ये देखो यहाँ पे ना घुस रहा है बेचारा मेरा दोस्त, यहाँ पे टूटेला है एक छोटा सा पानी, ये देखा टूटा हुआ, देखो यहाँ से टूटा हुआ, तो उनको बोले कि यहाँ से टूटा हुआ है वही लेते, ऐसा बोल के सिर्फ लेते। अभी देखते थोड़ा काटेगा वो, परमिशन तो ले लिया, अभी कुछ टेंशन नहीं है। देखो दोस्त परमिशन लेके काम करो, मेरे ऐसा मत बनो, मैं भी ऐसा नहीं हूँ, इसकी वजह से खराब हो रहा था बस, बाकी कुछ नहीं। फाइनली इतनी जद्दोजहद के बाद ये देखो एक लकड़ी मिल गई, और हमारा भाई अभी और के लालच में और एक काट रहा है, ये बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत बड़ा है, ये अगर मिल गया तो अच्छा ही है, फिर एक एक डेढ़ साल तक कुछ लेने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मोटा है ना, अच्छा था। चलो देखते ये भी अगर आ गया तो टेंशन ही नहीं। दोस्तों हमारे भाई के इतने जद्दोजहद के बाद, इतने मेहनत के बाद मस्त दो बड़ी बड़ी डंडियाँ मिल गई है प्रॉपर एकदम, उसको अभी थोड़ा सुखाना पड़ेगा। एक डंडी को तो आज कैसे रख देगा मैं, कैसे भी कुछ भी अरेंज करके, और दूसरे को सुखा के अच्छे से उसके ऊपर का जो छिलका वो निकाल के फिर इसको हम रखेंगे अंदर। चलो पहले अबे शॉप में जाके काटते, अभी वो अपने पास ग्राइंडर है ना, तो फटाफट अच्छे से शेप दे देंगे, मत मगजमारी कर। चल दोस्तों टिफिन आ गया है, और बेचारा मेरा जो नीलकंठ है वो भी एकदम देखो भूखा है, अभी पहले उसको खाना खिलाता है और उसके बाद फिर मैं खाता हूँ। मैं पहले हाथ धो लेता हूँ, पूरा गंदा हो गया हो, पूरा एकदम देखो ना पूरा गंदा हो गया, हालत बहुत ख़राब है। तभी पहले फ्रेश हो लेता हूँ और फिर खाना खाता हूँ, उसको भी खिलाता हूँ। मम्मी ने मस्त ऐसा भेजा है, तो अभी पहले एक दो पीस इसको देता हूँ, खिलाता हूँ, फिर उसके बाद मैं भी खाता हूँ, ठीक है। चलो मैं एक लकड़ी काटा है, इसको सोच रहे हम लोग हैंगिंग करने के लिए, और वो जो है वो लंबा एक पूरा आड़ा रखने के लिए, दो लकड़ी काट चुका है, देखते हैं। अभी इसको भी सोच रहा हूँ ये जो है इसको भी रखेंगे फिर से अंदर थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि अभी तक पूरा गीला है सूखा नहीं, इसलिए रखना तो पड़ेगा थोड़े दिन, लेकिन इसको थोड़ा शेप देता हूँ अच्छे से। दोस्तों अभी हम लोग बना रहे हैं फटाफट, इधर से देखो अंदर से सब हिला लिया है, उसको भी अंदर जाके रख दिया है। अभी एक के लिए निकाल के इसके ऊपर ऐसे चौक है ना पूरा, पूरे चारों तरफ से मार लेंगे। अभी फटाफट करते हुए तो मैं वीडियो नहीं शूट कर पाऊंगा क्योंकि स्टोरेज भी इतना नहीं है, फटाफट हम लोग करते और सब होने के बाद आपको लास्ट रिजल्ट दिखाऊंगा, ठीक है। हो चुका है, अभी बस ये देख रहे हो पसारा, देखो ये देखो पसारा, लेकिन जितना पसारा आपको दिख रहा है उसके हिसाब से काम भी हुआ है। अभी अब काम देखो जो हम लोग ने बनाया ना उसका सेटअप, वो देखो कैसा है, सेक्सी नादी नहीं यार हम लोग का। देखो यहाँ पे भी लाइट लगा दिया गया एंट्री पे, और यहाँ पे थोड़ा सा काम कर लिया पेड़ के लिए, और ये उसके लिए मस्त एकदम अच्छा खासा ये लिया है, अभी थोड़ा बड़ा लिया है लकड़ी इस बार, उसको बैठने के लिए एकदम कंफर्टेबल। और यहाँ इसके अंदर भी ब्लू लाइट लगा दिया एलईडी में, और देखो देखो उधर एक वो हैंगिंग के लिए बना रहा है, और पहले जो वायरिंग था ना ऐसा पूरा नीचे गिरता था, हम लोगों ने थोड़ा इधर से ऐसा ऊपर से डायरेक्ट ले लिया डायरेक्ट ऐसा, और इधर थोड़ा वो हैंगिंग के लिए बना रहा है, उसको अगर कभी थोड़ा बड़ा होगा ना तो इसके ऊपर हम लोग डायरेक्ट बिठा देंगे उसको, तो ऐसा हो गया सेटअप रेडी। बस अभी ये जो पसारा है सब ये सब आवरेगा, और एकदम अच्छे से शॉप क्लीन करता हूँ, और फिर उसके बाद क्लाइंट है 6:30 को या और एक 7 को, 6:30 और 7 दोनों में से एक टाइम पे आएंगे वो,
अभी थे 6 बजे के थे लेकिन थोड़ा डिले किया हूँ काम की वजह से, तो अभी फटाफट क्लीन करता हूँ, फ्रेश होता हूँ, हाथ मुंह धो लेता हूँ अच्छे से और फिर काम चालू करता। सब हो गया क्लीन एकदम चकाचक है, देखो एकदम प्रॉपर चकाचक। और ये रहा एंट्री, तो एकदम मस्त क्लीन ऐसा हो गया पूरा। अभी क्लाइंट नीचे बैठे हुए, थोड़ा क्लाइंट लेता हूँ और रात को थोड़ा शूट भी करना है, इसलिए मैं फॉर्मल पहन के आया, क्योंकि यूट्यूब के जो ट्यूटोरियल थे उसके लिए शूट करना पड़ता है, तो कल पोस्टिंग है तो आज कुछ भी करके शूट करना है, इसलिए क्लाइंट खत्म करेगा और 9:30 बजे तक शूट चालू कर देगा। तो दोस्तों क्लाइंट खत्म हो गए, सब खत्म हो गया, अभी सब क्लीनिंग भी सब हो गया, अभी कल संडे, जल्दी जल्दी शॉप से निकलता हूँ। 10 बज गए ऑलमोस्ट, जो दूसरा मेरा काम था फ्रेंड के पापा को मिलने का वो रह गया, लेकिन अभी वो मंडे को शायद करना पड़ेगा, तो अभी जाता हूँ घर पे जाके आराम करता हूँ, वीडियो का एडिटिंग भी करना बाकी क्योंकि कल पोस्ट भी तो करना है। तो कल संडे में भी हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहूँ तो व्लॉग ना बना पाऊँ, लेकिन मंडे का तो बनेगा, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कल भी बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऐसे ही निर्लज्ज बने रहना, बाय बाय।